अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. लेट्स स्टार्ट ओवर टुडेज वर्क. नाउ वी आर गोइंग टू डू वर्क ऑफ उर्दू वर्कबुक. सो ओपन योर उर्दू वर्कबुक एंड द पेज नंबर इज 50. उर्दू वर्कबुक पेज नंबर 50. तफहीम इबारत. द टॉपिक इज पानी एक नेमत है. पानी एक नेमत है. हमने कल इसकी रीडिंग की थी, पानी के बारे में पढ़ा था. रीडिंग में हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है. इनमें से एक बड़ी नेमत पानी है. पानी के बगैर कोई भी जानदार जिंदा नहीं रह सकता. समुंदर, दरिया और नहरों की खूबसूरती भी पानी की वजह से ही है. जो पानी हम पीते हैं वो कुओं और ट्यूबवेल के ज़रिए ज़मीन की तहों से निकाला जाता है. पानी पौधों, खेतों और आबी जानवरों के लिए भी बहुत ज़रूरी है. इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह की इस नेमत को ज़ाया होने से बचाएं, जितना ज़्यादा मुमकिन हो इसका मुनासिब इस्तेमाल करें. पानी के नल बिला वजह खुले ना छोड़ें और नहाते वक्त भी पानी का कम से कम इस्तेमाल करें और हर वक्त अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें. आज हम इस जो ये जो आपको पैसेज दिया गया है रीडिंग का, इसके अंदर से हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट ओवर वर्क. दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं. डैश पौधों, खेतों और आबी जानवरों के लिए भी बहुत ज़रूरी है. खाद, पानी, बादल. द राइट ऑप्शन इज़ पानी. आप पानी को टिक करेंगे. नंबर वन पे आप पानी को टिक करेंगे. द राइट ऑप्शन इज पानी. नंबर टू, पानी के डैश बिला वजह खुले ना छोड़ें. नल, ट्यूबवेल, फवारे. द राइट ऑप्शन इज नल. पानी के नल बिला वजह खुले मत छोड़ें. नेक्स्ट आप पेज नंबर 51 पे आएं. पेज नंबर 51 पे सबसे पहले आपने डेट एंड डे मार्क करनी है, क्योंकि कल हमने पेज नंबर 50 पे डेट एंड डे लगाए थे, 51 पे डेट एंड डे नहीं मार्क की थी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल पुट योर डेट एंड डे. पेज नंबर 51 पे हमारे पास क्वेश्चंस हैं. अल्लाह ताला की दी गई नेमतों में से तीन के नाम लिखें. यानी अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है, उन नेमतों में से हमने कोई सी तीन नेमतों के नाम लिखने हैं. द आंसर इज फल, पौधे, पानी. फल, पौधे, पानी. सवाल नंबर दो, क्या पानी के बगैर कोई जानदार जिंदा रह सकता है? आपने रीडिंग में भी पढ़ा था कि पानी के बगैर कोई भी जानदार जिंदा नहीं रह सकता. सो द आंसर इज जी नहीं. द आंसर इज जी नहीं. सवाल नंबर तीन, समुंदर, दरिया और नहरों की खूबसूरती किस वजह से है? जवाब, पानी की वजह से. ये हमने पैसेज में भी पढ़ा था कि समुंदर, दरिया और नहरों की खूबसूरती भी पानी की वजह से ही है. यानी अगर इनमें पानी ना हो तो वो बिल्कुल बंजर ज़मीन हो और उसके अंदर की गंदगी नज़र आए, गंद से भरी हुई, वो सिर्फ नहरें और दरिया हों. पानी की वजह से उनकी खूबसूरती है. ट्यूबवेल और कुएं किस काम आते हैं? ज़मीन की तहों से पानी निकालने के लिए. यानी ट्यूबवेल और कुओं के ज़रिए से हम ज़मीन की तहों से पानी निकालते हैं, जो कि पानी हमारे काम आता है. हम उस पानी को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं और उस पानी को पीते हैं. ये आपके सामने सेव वाटर का एक पोस्टर बना हुआ है. आपने इसमें कलरिंग करनी है. ये सेव वाटर का पोस्टर है, इसमें आपने कलरिंग करनी है. उसके अलावा आपने क्वेश्चन आंसर करने हैं. यहाँ पे दो आपके पास टिक के निशान है, वो आपने लगाने हैं. नंबर वन पे पानी है, नंबर टू पे नल. जबकि पेज नंबर 51 पे पहले क्वेश्चन के आंसर में आपने फल, पौधे, पानी लिखना है. जबकि दूसरे क्वेश्चन के आंसर में आपने जी नहीं लिखना है कि पानी के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते. तीसरे के आंसर में पानी की वजह से, समुंदर, दरिया और नहरों की खूबसूरती पानी की वजह से है.
ट्यूबवेल और कुएं जमीन की तहों से पानी निकालने के काम आते हैं। और ये सेव वाटर का पोस्टर है, इसमें आपने कलरिंग कर देनी है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड।